दादियों का दौर जारी है। सरकार ने कोरोना प्रतिबंध हटा लिए हैं। इसके असर से सोया तेल में मांग जोरदार नजर आ रही है। हालांकि उतार चढ़ाव के बीच प्लांटों से सप्लाई जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसके चलते सोया तेल के दामों में मंदी की स्थिति नहीं बन पा रही है। व्यापारियों का कहना है कि वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक खाद्य तेलों की तंगी बनी रहेगी और कीमतों में लंबी गिरावट आना कठिन है। मलेशिया में मार्च तक पाम तेल की आपूर्ति सुगम होना भी कठिन है। यहां श्रमिकों की कमी है, जबकि अधिक करों के कारण इंडोनेशिया से आपूर्ति कठिन है। इसी बीच अर्जेंटीना में बीते साल के मुकाबले इस बार सोयाबीन का उत्पादन 4.92 करोड़ टन से घटकर 4.31 करोड़ टन होने का अनुमान जताया गया है। इस बार सरसों की बुआई ज्यादा हुई है। हालांकि अभी तेल कारोबारी सरसों के फैक्टर को अनदेखा कर रहे हैं। दरअसल बीते सीजन की तेजी देख चुके किसान कम भाव पर सोयाबीन बेचने को तैयार नहीं है। दलील है कि सोयाबीन का बीज महंगा खरीदे। इस बीच पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन की सोया आयात अवधि बढ़ाने की मांग का भी किसान संगठनों ने विरोध कर शुरू कर दिया है। सोयाबीन उत्पादकों के प्रमुख संगठन सोपा ने ऑल इंडिया पोल्ट्री एसोसिएशन की सोयाबीन के आयात की अवधि बढ़ाने की मांग के बारे में कहा है कि इस बार देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़िया हुआ है और सरकार को कोई भी फैसला किसानों के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वहीं शनिवार को वायदा बाजार बंद रहा था, इसके बावजूद सोयाबीन के दाम प्लांटों की ओर से बढ़ा दिए गए थे। शाम तक कई प्लांटों के दाम 6400 तक पहुंच गए थे। इंदौर में सोयाबीन की आवक 6000 बोरी रही थी और दाम 6000 से 6200 रुपए क्विंटल तक बोले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।